यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विमला बाथम जी, वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हैं। विमला बाथम जी, आपको साक्षी मिश्रा और अजितेश की कहानी तो अभी तक पता चल गई होगी, बहुत देर से हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इनको डर है कि इनकी जान पर खतरा हो सकता है, अगर इनके पिता कुछ ना करते हैं तो अपने लोगों से वो कुछ करवा सकते हैं। आप क्या आश्वासन देंगी इनको? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मैम। फिर भी अगर इनको लगता है तो पुलिस प्रोटेक्शन इनको होना चाहिए। दोबारा बोलेंगी? पुलिस प्रोटेक्शन इनको मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अगर इनको लगता है कि पिताजी इनको कुछ करेंगे। नहीं, उन्हें तो लगता है मैम, क्या आप महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती इस पूरे मामले का? महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी बात कहूंगी। हाँ, महिला आयोग हमेशा इनके साथ है और अगर इसको कोई जरूरत है हमारी तो हमेशा इनके साथ है। और कुछ नहीं होगा, आगे अच्छा है जी। अब मुझे नहीं लगता तो हिम्मत करेगा इसको ठीक है। विमला जी, आपका क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार दोबारा हम आपको कॉल कर रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लेकिन विमला बाथम जी से हमारा बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो कुछ बता रहे हैं कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकती हैं। साक्षी, हम चाहते हैं कि ये आपका जो बातचीत हो जाए इस मामले पर। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरी हमारी जान को खतरा है, अब शांति से जियो और राजनीति करो।